ये हमारा खाना। मेरा नाम है राकेश मीना। चंबल मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारे इंडस्ट्रियल विजिट का आखिरी दिन है, आखिरी रात में, ठीक है ना, आखिरी दिन। तो अभी ब्रेकफास्ट करने आए हम, सुबह उठ के फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करने अभी हम कंपनी में जाने वाले हैं, ब्रेकफास्ट करके और टोटली चेकआउट करने हैं होटल से। आपको ब्रेकफास्ट दिखाता हूँ, जल्दी से ख़त्म कर रहा क्योंकि लेट हो चुका है। ब्रेक देखो दोस्तों, ब्रेकफास्ट में क्या क्या है, ब्रेकफास्ट नहीं बोल सकते इसको, ब्रंच बोल सकते, ठीक है। दो पूरी है, मैंने ली दो पूरी है, दो पूरी नहीं है, मैंने दो पूरी ली है। छोले है, दही है, अंडा है, पपीता है, ब्रेड पकौड़ा है और बाकी कुछ नहीं लिया मैंने। उपमा था, सांभर वड़ा है, जैसे इनके प्लेट में देख सकते हैं आप, तिवारी जी के प्लेट में सांभर वड़ा लिया इन्होंने, उन्होंने सांभर भी लिया है और किसी ने कुछ एक्स्ट्रा, और ये भी है क्या बोलते शेक, कौन सा, चॉकलेट शेक भी है। तो जल्दी से इसको ख़त्म करते और मिलते हैं आपसे बाद में। यहाँ पे बड़ी दुविधा, अंडा और दही साथ में खाया जा सकता है या नहीं, आप लोग कमेंट में बताएं कि आप लोग अंडे के साथ क्या लेते। देखो दोस्तों, अंडा मीट नहीं आने लगा, मीठ नहीं आने लगा, मतलब भावरा होऊन जाते नहीं ना, तिकडे बसला भावरा, हमेशा भावरा होता है। सुबह कॉल किया, उसके फोन से कॉल आ रहा हूँ, मेरे को बोल रहा हूँ मेरा फोन है क्या वहाँ पावर है। गिन रहा था। तो हम आ गए अभी कहाँ पे है दोस्तों, आ गए हम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया में। अब यहाँ पे हमारा विजिट हुआ, देखते कितने देर विजिट होता है। लिटरली दोस्तों दो फ्लोर चढ़ के आना पड़ा। दोस्तों हमारा यहाँ का भी इंडस्ट्रियल टूर हो गया और यहाँ पे थोड़े रिस्ट्रिक्शंस थे जिसकी वजह से मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ पे हमको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिली। यहाँ पर आप स्टार्टअप आइडिया कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, तो यहाँ पे आप आपका स्टार्टअप आइडिया लेके आ सकते हैं और आपको सीड फंडिंग मिल सकती है। और ये लोग आपको अप टू 25 लाख, मतलब 25 लाख मैक्स है, वहाँ तक सीड फंडिंग देते हैं। तो अगर आपके पास भी स्टार्टअप आइडिया है तो आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाके स्टार्टअप दे सकते हैं आपका। स्टार्टअप ऐसे कभी भी नहीं डाल सकते आप लोग, वो स्पेसिफिकेशन डेट्स आती है तभी करना होता है। हम आ गए हैं आमेर फोर्ट के पास और यहाँ से आपको जिप्सी लेनी होती है। जिप्सी कितने की भैया? ये 550। आप कहीं पे भी यहाँ से जिप्सी लेंगे तो आपको 550 में लेनी पड़ेगी। और यहाँ पे हमको अलाउ नहीं किया था कॉलेज वालों ने चेंज करने को, तो भी हमने कर लिया एक बस में, लड़कियों ने नहीं किया। चलते हैं सीधा अभी। देखो दोस्तों हम जा रहे अटैक करने के लिए, साउथ का पिक्चर चालू है। दोस्तों आ गए हम किले के ऊपर, देख सकते हैं आप। और ये किले की खासियत मैं आपको बताता हूँ, ये किला है, ये जो किला है ये मानसिंह जी का है। और जो ये किला, किले की एक खासियत बता दूं मैं, जो जोधाबाई थी, जोधाबाई उनका ये मायका है। और यहाँ पर जो जोधा अकबर पिक्चर में दिखाया गया ना सीन, वो सीन यहाँ शूट हुआ है। तो एक बार यहाँ से नज़ारा देखिए यहाँ सर। भाई आपका नाम क्या है? राकेश मीना।
ये भैया हमारे यहाँ के ऑफिशियल टूर गाइड है, ये हमको ये कौन सा किला भैया आमेर पैलेस घुमाने वाले हैं। आमेर आमेर जो भी बोल सकते हैं आप, इसके बारे में समझा दूंगा। आमेर रोड में आमेर क्यों बोला जाता है? ये भैया हमको पूरा समझाएंगे। ये भैया को हमने हायर किया है, थोड़ी देर में फायर करेंगे। लोगों का वेलकम है। तो आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है राकेश मीना। नमस्कार। और इस गांव का नाम है आम्बेर। महाराजा अमरीश, अम्बकेश्वर महादेव मंदिर और अम्बा माता के नाम से रखा गया है। यहाँ का नाम आम्बेर भी साइलेंट हो जाता है और आम्बेर बोला जाता है। तो नीचे जिस गाँव से आप लोग निकल के आए थे अभी, वो गाँव बसा हुआ 1000 साल पुराना और ये पहले से 400 साल पुरानी, जिसे अभी आप लोग विजिट करेंगे। उस गांव में एक पुरानी वाली बिल्डिंग बनी हुई, उस बिल्डिंग का नाम है कदमी पैलेस। तो जोधा भाई का नाम सुना होगा आप लोगों ने। जोधा भाई का जन्म वहीं पे हुआ और जोधा भाई की शादी भी वहीं से हुई थी। ये किला जोधा भाई की शादी के बाद में बना हुआ है। इस किले की नींव 1589 में महाराजा मानसिंह जी ने रखी थी। जोधा भाई के पिता का नाम था भारमल, भाई का नाम था भगवान दास और महाराजा मानसिंह जी की बुआ थी जोधा भाई। तो उनकी शादी के बाद में बना हुआ ये किला है। इस किले में एंट्रेंस करने के लिए दो रास्ते हैं। सामने वाले गेट का नाम है सूरज पोल गेट। सूर्य उदय इधर से होता है इसलिए सूरज पोल गेट कहा जाता है। और दूसरे गेट का नाम है चांद पोल गेट। सूर्यास्त इधर से होता है इसलिए चांद पोल गेट। ये चांद पोल गेट है, उस समय लोकल पब्लिक के लिए था, पर दोनों गेट अब सेम गेट हो चुके हैं, क्योंकि भाई वोक जो टूरिस्ट आते हैं वो सूरज पोल गेट से आते हैं, बाई कार जो टूरिस्ट आते हैं वो आते हैं चांद पोल गेट से। बीच में जिस ग्राउंड में आप लोग खड़े हैं, इस ग्राउंड का नाम है जलेब चौक। जलेब फारसी भाषा का वर्ड है, इसका मतलब होता है परेड ग्राउंड। जब रॉयल फैमिली और रॉयल आर्मी यहाँ रहती थी तो यहाँ पे आर्मी की परेड हुआ करती थी। आर्मी परेड के लिए ग्राउंड बना हुआ है। अभी हम लोग पैलेस विजिट करेंगे, तो पैलेस में आप लोगों को दीवाने आम, दीवाने खास, सीसमेल, मानसिंह पैलेस, ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर आप लोग मेरे को अच्छे से फॉलो करेंगे तो अच्छे से जानकारी मिलेगी, अगर आप लोग मेरे को फॉलो नहीं करेंगे तो वो आप नहीं जानेंगे। और कोई बच्चा साथ रहेगा तो मैं अपने आप लेके आऊँगा, अगर कोई मिसिंग होता है गलती से तो वो खुद के जिम्मेदार खुद रहेगा। तो आप लोगों का ग्रुप फोटो लेना है मेरे को। यिप यिप यिप। दोस्तों देखिए, ये है आमेर का किला और अभी एंट्रेंस हो गई हमारे। और आपको मैं चाइना वॉल दिखाता, देखो पीछे, देखो पीछे मेरे, मेरे पीछे चाइना वॉल। चलो अभी जल्दी से चलते हैं हमारे गाइड के पास। सीसमेल बना हुआ है वो देखेंगे, वो 16th century का एरिया है। जहाँ आप लोग खड़े हैं 17th century का एरिया है। पूरी 17th century के एरिया में आके जो लास्ट राजा थे जय सिंह, सेकेंड उन्होंने ये कंप्लीट करवाया है, उसके बाद में जयपुर शहर बसाया था। तो दीवाने आम मीन्स लोकल पब्लिक मीटिंग हॉल। जब राजा और उनका परिवार यहाँ रहता था तो राजा की तरफ से दरबार लगता था। 1727 में कंप्लीट हुआ था, 137 साल लगे थे इसे कंप्लीट होने में। और 3 जनरेशन ने अपनी अपनी सुविधा के साथ बनाया इसे। तारे देखने जा रहे हैं हम, चलो आपको दिखाता। ये मिरर है, बेल्जियम ग्लासेस। बेल्जियम ग्लासेस की खासियत है कि सिल्वर की शाइनी में तो उसका गिलास लगा हुआ है, हार्ड गोल्ड को पेस्ट करके ऊपर में गोल्ड का बॉर्डर बना हुआ है। येलो येलो कलर दिख रहा है ना, हार्ड गोल्ड को पेस्ट करके ये गोल्ड का बॉर्डर बना हुआ है। तो रात के लिए यहाँ पे ब्लू कलर के कारपेट नीचे में बिछाए जाते थे और ब्लू कलर के कारपेट के साथ में ऑयल लैम्प दिए, ऑयल लैम्प का शाइनिंग ऊपर। ये सब बोल रहे हैं इधर ऐसे ऊपर फ्लैश लाइट लगाने से दिन में तारा दिख रहा है। भाई मेरे को तो नहीं दिख रहा, तुमको दिख रहा क्या? गाना है जश्न बहार, वो गाना इसी ग्राउंड में, इसी गार्डन में शूट हुआ था। जोधा अकबर मूवी, बाजीराव मस्तानी मूवी, महाभारत, मणिकर्णिका जैसी मूवी, महाभारत जैसे प्रोग्राम्स की शूटिंग यहाँ पे हुई है। और एक मूवी देखी होगी आपने, मुगल आजम, और उसमें गाना है प्यार किया तो डरना क्या। हाँ, वो जो गाना है वो इस सीजनल के अकॉर्डिंग में उन्होंने मुंबई में ऐसा सेटअप तैयार किया। और इस किले को बाहर तक जहाँ से आप लोगों ने एंट्रेंस किया था ना उस गेट में, वहाँ तक कंप्लीट होने में लगे थे 137 साल। कितने? 137 साल। चले गए होंगे तो। 3 जनरेशन ने अपनी अपनी सुविधा के अनुसार काम करवाया। तो फर्स्ट जनरेशन मानसिंह जी, इनके 12 रानियाँ थी, 12 रानियों के 12 फ्लैट बने हुए हैं। सेकंड जनरेशन थी जय सिंह फर्स्ट, उनकी 2 रानियाँ थी, उन्होंने उनके लिए सिस्मेल बनवाया। लास्ट जनरेशन थी जय सिंह सेकंड, जिन्होंने अपना दीवाने आम कंप्लीट करवाया और उसके बाद में जयपुर शहर बसाया। उन्होंने एक ही रखी भाई उन्होंने। दोस्तों यहाँ की टिकट प्राइस जो है वो 102 रुपये है पर पर्सन। वैसे हम कॉलेज के थ्रू आए थे तो स्टूडेंट कंसेशन के थ्रू हमको 1 भी रुपया नहीं लगा, लेकिन फैकल्टी को 102 रुपये लगे है। स्टूडेंट का क्या बोले भैया? आइडेंटी के साथ में 22। स्टूडेंट का जो आइडेंटी के साथ है तो 22 रुपीज़। और आप यहाँ आना
तो ये भैया को गाइड जरूर बनाना, भैया का नाम बता देना आप। राकेश मीना। भैया एकदम मतलब कुछ ऐसी ऐसी बातें भी बताते जो मैं आपको ऑन कैमरा नहीं दिखा सकता। ये इनके बेटे हैं महाराजा भवानी सिंह जी, इंडियन आर्मी में ब्रिगेडियर थे। ये इनकी वाइफ है पद्मिनी देवी और ये इनकी बेटी है दिया कुमारी। इनके कोई बेटा नहीं था। इनको महारानी नहीं बनाया, सरनेम नहीं मिला महारानी वाला, ओनली रानी मिला। ये थी तब तक छात्री। इनकी डेट 2009 में हुई है। तो कितनी बड़ी कढ़ाई है, उस टाइम की कढ़ाई, उधर भी एक कढ़ाई रखी है। देख तो ये बस को हम भाई बोल रहे हैं अभी, और हम आ चुके हैं जयपुर रेलवे स्टेशन। यह भैया ने हमको बहुत अच्छे से ट्रैवल करवाया। ये हमारा खाना जो कि जयपुर स्टेशन से ही बोर्ड हो रहा है, जहाँ पे हम रुके थे वही होटल से आया है, और हमारी ट्रेन लग चुकी है प्लेटफॉर्म पे, और हमारी अभी समय हो रहा है 7:05, ट्रेन हमारी निकलेगी 7:35 को। खाना लेके अभी हम जा रहे हैं उधर हमारे सीट पे। देखो ये है हमारे आज रात का डिनर, और हम जयपुर से निकल गए हैं वापस वर्धा के लिए, और सबको बांटने के बाद, पूरे 63 बच्चों को बांटने के बाद अभी खुद खा रहा हूँ, और अभी हम हमारा ग्रुप खा रहे हैं। तो खाना हमारा, हम जिस होटल में रुके थे वहीं से बोर्ड हुआ था, तो खाने की क्वालिटी के बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्वालिटी सेम है। तो दोस्तों अभी पहुँचे हैं हम सवाई माधोपुर जंक्शन, और जयपुर से ट्रेन निकलने के बाद ये इसका पहला स्टॉप है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस रूट में मैं पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मेरे लिए भी एक ये जर्नी बहुत ही अच्छी है। चल चलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका। अभी अभी भोपाल स्टेशन गया है तो दोस्तों अभी अभी भोपाल स्टेशन गया है और हमने भोपाल पे चाय ली थी जो हमको बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो अभी पेंट्री से भैया को बुला के लाया है, पैकेट वाली चाय ले रहे हैं, और ये चाय आप भी ट्राई करना, बहुत अच्छी रहती है। अभी इनको भी दिलाता और देखता कैसी है। ए चंबल चंबल तो ये ट्रेन से हम पहुंच चुके हैं बैतूल, इटारसी से आगे बैतूल, यहाँ से 4 घंटे और हमको लगेंगे हमारे शहर पहुंचने को, और पेंट्री में खाने पीने की सभी चीज़ें मिल जाएंगी। हमने नाश्ता भी किया, 10 रुपये का एक समोसा, 30 रुपये के 3 समोसे, और उपमा भी था, पोहा भी था, ऑप्शन में इडली वड़ा भी था, इडली हमको अच्छी नहीं लगी, कॉफ़ी भी थी जो कि पैकेट वाली हमने पी 25 रुपये की नेस्कैफे की, और चाय भी थी पैकेट वाली। और जो खाना मैं गया था वहाँ पे पूछने के लिए स्टैंडर्ड वेज मील, तो स्टैंडर्ड वेज मील जो खाना था उनको पूछा तो वो बोले अवेलेबल है, बोले लेकिन उसमें क्या बोल रहे थे 180 वाला खाना खाओ, ऐसा खाओ वैसा खाओ, समझे? तो मतलब मारवाड़ी ट्रेन है, बोले भाई मारवाड़ी हो या कुछ भी हो, जो गवर्नमेंट ने रूल दिया वो रहना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ का डिपार्चर दिखा था आपको।